नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 मई दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ इस पोर्टल पर मिलेगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई मैथिली ठाकुर। हर महीने इस तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे आयुष्मान आरोग्य शिविर। के पाठक ने शिक्षकों की सैलरी को काटने को लेकर दिया नया आदेश। दुनिया भर में इस मामले में विश्व का पहला देश बना भारत। व्हाट्सएप में यूजर्स को जल्द मिलेगा ये खास फीचर। आईपीएल 2024 में आज पीबीकेएस और आरसीबी के बीच मैच। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिविल एविएशन के 108 पदों पर निकली भर्ती। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 पदों पर आई है। इन पदों पर आवेदन अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर किया जा सकता है। इस भर्ती के नोटिस को 4 से 10 मई के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आवेदन ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा। इसका पता डिप्टी डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, रूम नंबर SA05, सेकेंड फ्लोर ए ब्लॉक, उड़ान भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110003 पर भेज सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को जरूर देखें। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई मैथिली ठाकुर। मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित रामपुर कॉलोनी पानी टंकी मैदान में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर शामिल हुई। बिहार स्वीप आइकॉन मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर, जिलाधिकारी अनिमेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मैथिली ठाकुर ने गीत के माध्यम से लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए वोट देना जरूरी है। हमारा देश दुनिया का सबसे पहला और बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति मतदान करे ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। बिहार के 5 जिलों के बालू घाटों पर अब तक शुरू नहीं हुआ है खनन। बिहार के 5 जिलों के बालू घाटों पर अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा हुई है। इसी में ये बात निकलकर सामने आई है। बताया जाता है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद नालंदा, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में खनन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। अब सरकार ने इस संबंध में पदाधिकारियों को आदेश दिया है। साथ ही 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर बालू घाटों को संचालित स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है। हर महीने इस तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे आयुष्मान आरोग्य शिविर। बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। हर महीने की 14 तारीख को ये आयोजन होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में 8 प्रकार के स्वास्थ्य जाँच और उपचार की जाएंगे। इसमें लोगों को निःशुल्क दवाएँ भी दी जाएंगी। आरोग्य सभा का आयोजन किया जाएगा। योग, टेली कंसल्टेशन, मधुमेह स्क्रीनिंग, उच्च रक्तचाप की जाँच होगी। आपको बता दें कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन होने जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को संबंधित जिले या निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय व स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया जाएगा। शिक्षा से जुड़ी तमाम योजना का लाभ इस पोर्टल पर मिलेगा। शिक्षा से जुड़ी तमाम योजना का लाभ ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मिलेगा। तमाम उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार वेबसाइट https://eshiksha.bihar.gov.in/login पर शिक्षा विभाग की योजना की जानकारी दी जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पोर्टल को लेकर सभी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। विभाग ने शिक्षा से संबंधित अलग अलग सरकार की स्कीम को केवल ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वयन करने का फैसला लिया है। मेटल और प्लास्टिक के कूलर में जाने कौन है आपके लिए बेस्ट। गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने के लिए कई बार लोग कूलर का उपयोग करते हैं। ऐसे में इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा कूलर बेस्ट होता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक के बॉडी कूलर वजन में हल्के होते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये अधिक सुरक्षित होता है। इसका कारण है कि इसमें करंट लगने का खतरा नहीं होता है। प्लास्टिक बॉडी कूलर होने के कारण इसे बार बार पॉलिश करने की जरूरत भी नहीं होती है। इसे एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ले जाया जा सकता है। छोटे घरों के लिए ये कंफर्टेबल होता है। प्लास्टिक बॉडी की तुलना में मेटल बॉडी कूलर काफ़ी अधिक मजबूत होता है।
ये बड़े घर को अधिक कूलिंग करता है, इसे घर के बाहर भी सेट कर सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता है। पटना म्यूजियम में आग लगने के बाद लोगों के बीच मची अफरा तफरी। राजधानी के पटना म्यूजियम में बीते दिन आग लग गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। म्यूजियम पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने शीशा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। म्यूजियम के कैंपस से लगातार धुएं की लपटें उठती हुई दिखाई दी। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आशंका जताई गई है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। के पाठक ने शिक्षकों की सैलरी को काटने को लेकर दिया नया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों की सैलरी को काटने को लेकर नया आदेश जारी किया है। 509 गायब शिक्षकों की सैलरी काटने को लेकर आदेश दिया गया है। मालूम हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी चल रही है। विशेष कक्षा से कई शिक्षक गायब मिले हैं, जिसमें 32 नालंदा जिले के शिक्षक हैं, दूसरे स्थान पर बेगूसराय के शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सियाराम तिवारी के बारे में। सियाराम तिवारी पेशे से एक भारतीय शास्त्रीय गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद शैली के प्रमुख प्रतिवादक थे। इनका जन्म 10 मार्च वर्ष 1919 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। इन्हें वर्ष 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इनकी गायकी स्वर, मिंड, गमक और लयकारी के लिए मशहूर थी। ये ऑल इंडिया रेडियो पटना में एक अग्रणी कलाकार थे। वर्ष 1998 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। व्हाट्सएप में यूजर्स को जल्द मिलेगा ये खास फीचर। मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में यूजर्स के लिए आज खास फीचर आने वाला है। ये फीचर कैमरा से जुड़ा हुआ है। इस फीचर में आपको जूम कंट्रोल का विकल्प दिया जा रहा है। फिलहाल ये फीचर बीटा यूजर्स के लिए है। नए फीचर के साथ आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। कैमरे के जूम फीचर को इस ऐप के अपडेट वर्जन में 24.9.10.75 में एक्सेस किया जा सकेगा। इस फीचर से लोगों को नई सुविधा का एक्सेस मिलेगा। इसकी मदद से सही फोटो और वीडियो लेने में मदद मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि व्हाट्सएप जल्दी इस फीचर के स्टेबल वर्जन लाने वाला है। व्हाट्सएप आप कब से यूज कर रहे हैं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार में सभी विभाग के नियम कायदे होंगे ऑनलाइन। बिहार सरकार के सभी विभाग के नियम कायदे ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सभी पुरानी नियमावली और महत्वपूर्ण अधिनियम ऑनलाइन तौर पर मौजूद रहेंगे। ये एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से एक विशेष वेबसाइट को तैयार किया गया है। इस वेबसाइट का नाम है https://www.indiacode.nic.in। इसमें बिहार समेत सभी राज्यों को अपने अपने मौजूद तमाम सरकारी महकमों के सभी तरह के नियम कानून का नियमावली समेत ऐसे अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसमें सभी नए पुराने नियमावली समेत अन्य महत्वपूर्ण चीजों को आसानी से एक जगह पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। दुनिया भर में इस मामले में विश्व का पहला देश बना भारत। दक्षिण एशिया के 3 देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्न के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ता में शामिल हुए हैं। यह इस क्षेत्र से श्रम प्रवास को रेखांकित करता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पेश किया है और राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $50,000 का योगदान दिया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और एक साल में अपने देश में $111 अरब भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन ने कहा है कि $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने $5,00,000 का योगदान दिया है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग ने दी जानकारी। ईवीएम और वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में चुनाव आयोग ने जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि मतदान का महात्योहार है और इसके लिए बिहार तैयार है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। चौथे चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और उजियारपुर में मतदान होना है। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचते ही पीठासीन पदाधिकारी बैलेट यूनिट को सक्रिय कर देते हैं। इसमें अपने इच्छा के अनुसार चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाना है। इसके बाद चुनाव चिन्ह के सामने लाल बत्ती जलेगी। मुद्रित पर्ची पर अभ्यर्थी का क्रम संख्या 7 सेकेंड तक दिखेगा।
प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार में बारिश का सिलसिला अभी आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने 9 मई से लेकर 14 मई तक बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में आज अधिकतर स्थानों पर झमाझम बारिश होने की बात कही गई है। चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की बात कही गई है। बिहार में नकली सीमेंट फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। हाजीपुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सराय पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में चर्चित कंपनी के नकली सीमेंट के साथ ही उपकरणों को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की गाड़ी को देखते ही कुछ लोग गोदाम से भागने लगे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और फिर पुलिस ने गाड़ी को रोक कर गोदाम की तलाशी ली। इसमें ये बातें सामने आई है कि नामी सीमेंट कंपनी के नाम की नकली सीमेंट को बनाया जा रहा था। पुलिस ने हजारों बोरी सीमेंट को जब्त किया है, साथ ही नकली सीमेंट बनाने की मशीन को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एन के पांडे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए ये फैसला सुनाया है। ये मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है। इसमें आर्म्स एक्ट की धारा के अंतर्गत निचली अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, वहीं अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार का पक्ष रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पीएम के रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर जदयू ने दी प्रतिक्रिया। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार को शामिल होने को लेकर जदयू ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करने वाले हैं। भाजपा इस रैली को लेकर तैयारी कर रही है। वहीं राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। जदयू ने इस सवाल का जवाब दिया है। एमएलसी संजय गांधी ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि इस रैली में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 11 मई से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान, बेरोजगारी का दर्द मेरे दर्द के आगे कुछ भी नहीं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी का दर्द उनके कमर के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। जहानाबाद में राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही कहा है कि बेरोजगारी का दर्द उनके कमर के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा पीएम बताया है और कहा है कि वो कभी भी किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों से तेजस्वी यादव कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। इन्होंने पटना के IGIMS में जांच और इलाज भी करवाई है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बयान को किया इग्नोर। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को इग्नोर किया है। साथ ही कहा है कि जितना वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान अगर अपने उम्मीदवारों पर दे देते तो उनके प्रत्याशियों की जमानत बच सकती है। ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तीसरी बार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। यह तय हो चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने इससे पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बिहार और देश की जनता तानाशाह सरकार को हटाना चाहती है और 4 जून को एनडीए की सरकार गिरने वाली है। लालू यादव ने तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कही ये बात। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कहा है कि ये भाजपा के लिए कोर में खुजली है। मालूम हो कि तीसरे चरण में अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल और झंझारपुर में चुनाव हुआ था। 5 सीटों को लेकर राजद ने जीत का दावा किया है और कोर में खुजली शब्द का प्रयोग करके अपने जीत का भरोसा दिखाया है। मालूम हो कि विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में लालू यादव ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है।
शत्रुघ्न सिन्हा ने शेखर सुमन पर कसा तंज। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शेखर सुमन पर तंज कसा है और कहा है कि उनके भाजपा में शामिल होने का समय बहुत ही दिलचस्प है। वो एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। क्या वो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मुझसे मिली हुई हार को भूल चुके हैं? उस दौरान मैं भाजपा का अभिन्न अंग हुआ करता था। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि भाजपा ने एक लंबा सफर तय किया है और मुझे उम्मीद है कि शेखर सुमन को ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन यानी 9 मई वर्ष 1653 में भारत की विश्व विख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ था। आज के दिन वर्ष 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय शासक थे। आज के दिन वर्ष 1874 में बंबई में पहली बार घोड़े से खींचे जाने वाले ट्राम कार शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। आईपीएल 2024 में आज पीबीकेएस और आरसीबी के बीच मैच। आईपीएल 2024 में आज पीबीकेएस और आरसीबी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। आईपीएल का ये 98वां मुकाबला धर्मशाला के एचपीसीएस क्रिकेट स्टेडियम में शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होने जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की टीम ने अब तक 4 मैचों को जीता है। इसमें इस टीम को 7 में शिकस्त झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर आरसीबी ने 4 मुकाबले जीते हैं जिसमें 7 में हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों टीम के बीच करीब बराबरी का मुकाबला रहा है। वहीं आज के मैच में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आईपीएल 2024 में अब तक के मैच को देखते हुए आपके अनुसार क्या आरसीबी प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आने के बाद 4 दिनों तक कर सकेंगे स्क्रूटनी के लिए आवेदन। सीबीएसई की परीक्षा के परिणाम आने के बाद 4 दिनों तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सीबीएसई के द्वारा सूचना जारी की गई है। इसमें इस बात की जानकारी दी गई कि परीक्षा के परिणाम आने के बाद 4th दिन से 8वें दिन तक स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 5 दिनों तक आवेदन लिया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के बाद आने वाले आवेदनों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों की मांग पर सीबीएसई उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए परीक्षा परिणाम जारी होने के 19वें या 20वें दिन आवेदन देना होगा। 70 फ्लाइट कैंसिल होने के मामले में सरकार ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से मांगी रिपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कंपनी के क्रू मेंबर्स के बीमार होने की सूचना देने के संबंध में कारणों का पता लगाने के लिए उनसे बातचीत की जा रही है। एयर इंडिया ने कंपनी की उड़ानें रद्द होने के मामले में या देरी होने के लिए खेद जताया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के 70 विमानों के रद्द करने के मामले में सरकार ने कंपनी से रिपोर्ट तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन के तौर पर क्रू मेंबर के बीमार होने पर उड़ानों को रद्द करने पर एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इन मामलों को जल्द ही सुलझाने का आदेश दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है 4 मई, ऑप्शन डी है 6 मई। इसका सही उत्तर है 5 मई। हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ऑप्शन ए है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है उदय पोर्टल, ऑप्शन बी है सहयोग पोर्टल, ऑप्शन सी है भविष्य पोर्टल, ऑप्शन डी है अपना साथी। इसका सही उत्तर है भविष्य पोर्टल। बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है नवादा, ऑप्शन डी है लखीसराय। इसका सही उत्तर है नवादा। जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय,
ऑप्शन डी है चतुर्थ, इसका सही उत्तर है द्वितीय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राकेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, वेद प्रकाश सिंह, साधना देवी, जितेंद्र कुमार सहनी, नौसाद रजा, राजकिशोर महतो, पवन सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र कुमार ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन आपके क्षेत्रों में बारिश हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।